अब चलते हैं उत्तराखंड के विकास नगर की ग्राम पंचायत, जहां पानी न मिलने के कारण गांव के 50 परिवार परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एक हफ्ते से गांव में पानी नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए 1 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। ग्रामीण पानी की अव्यवस्था को लेकर जल संसाधन विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सहूलियत नहीं मिली है। हाँ जी, प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है, पूरे एक हफ्ता हो गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही। और आते हैं बहुत छोटे छोटे आदमी भेज देते, वो बेचारे ऐसे हैं कि उनसे पूरी खुदाई भी नहीं हो पाती, और बहुत दिक्कतें हो रही क्योंकि नहर के पास इन्होंने वो लगा दी जाली। अब पानी की भी हमें बहुत दिक्कत हो रही। कहाँ से ला रहे हैं? बस कहीं से भी नहीं, बहुत दिक्कत हो रही। जब दिक्कत हो रही कहाँ से लाएंगे? सर, प्रदर्शन ये किया जा रहा है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। हमारे मोहल्ले में कहीं भी 300-400 परिवार यहाँ रहते हैं, पानी की बड़ी दिक्कत है। कहते कहते थक गए, हाथ जोड़ के उनको ऑफिस में जाते जाते, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। इतने बुरे हाल है कि बच्चे पानी के बगैर बेहाल है। एक तरफ सरकार कहती है हर घर नल हर घर जल, लेकिन नल क्या करेंगे, एक बूंद पानी नहीं आ रहा। एक हफ्ते से पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, माताएं बहनें सब परेशान हैं।